कर ले दुनिया की बंदे, नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी गर्ज तो जिंदगानी फिर कहाँ। और इससे पहले कि हमारी नौजवानी निकल जाए, हम तीनों भी निकल पड़े हैं उत्तराखंड की सैर के लिए। आज तारीख है 27 दिसंबर 2013 और हम एंट्री लेने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। Hello guys, this is some good place. We came here yesterday from a long, tiring, long, enjoying journey. I would not say that it was tiring. It was a very nice journey. We enjoyed all through the route, through the UP and then to the Uttarakhand. Now we are taking a day off and we will be resting here in this place and I'm going to have some nice food. Hamari Mansoori ke trip mein, aaj hamara कहने को तो सेकंड डे है लेकिन हम इसे फर्स्ट ही कहेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम मंसूरी जाने का था लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था रहने का, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज की रात और यहीं पे बिताई जाए। राइट नाउ वी विल बी गोइंग टू टेक अ लुक बियॉन्ड दैट जंगल, यू कैन लुक इन माय बैकग्राउंड एंड जस्ट वी विल जस्ट पास टाइम अराउंड। और ये अमित और कैडी, हाँ हाँ, जिन पगडंडियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कुछ एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही मैं ये जगह हमें मिल गई, ऐसे संकरी सी जगह है जैसा लगता है कि हम बहुत घने संकरे जंगल की तरफ जा रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि कैसा एडवेंचर होता है। हाय, बिल्कुल संकरी गली थी, बीच में फंस के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जैसी गली थी वैसा कुछ भी नहीं है। गली से निकल के देखिए, एकदम बिल्कुल एकदम ग्राउंड है। हम सुनिए, हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यहाँ की इस एरिया को देख के लगता है कि यहाँ के जो लोकल बॉयज हैं वो जरूर यहाँ पे क्रिकेट खेलते होंगे। हाँ, लाइक क्रिकेट का मैदान जैसा लग रहा है। बाकी एक चीज हो रहा है अमित, क्या मुझे ये पेड़ देख के लग रहा है जैसे फिल्मों में वो गाने गाते हैं ना, कसम से हाँ, वो कुछ उसी टाइप का फील हो रहा है। कहीं फिल्म आए गए बिल्कुल एकदम सीधे दरख्त हैं। वाह, बड़ा मजा आ रहा है इस नजारे का, और जैसे लग रहा है किसी कैंप में आए हुए हैं और दुनिया के सारी टेंशन से मुक्त, कुदरत की गोद में, प्रकृति की गोद में मजा आ रहा है, अल्टीमेट मजा आ रहा है। अगर यहाँ पे दो तीन बालू आ जाते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? भाई उसके बाद तो ऐसा जो कुछ करेगा वो तो बालू ही करेगा। हाँ वो तो ऑब्वियस है। और हम कैसा महसूस करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे खड़े खड़े हमारा पेशाब निकल गया हो। अच्छा, तो मुझे तो ऐसा आप बालू को देख के उसका कुछ सामना नहीं करना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के मुझे दर्द, सर में दर्द हो रहा था, हैंगओवर हो रहा था, मैं तरह तरह के बहाने बना रहा था, लेकिन अगर बालू ऐसा आ जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे जैसे बोलते हैं ना जैसे कि सर पे पैर रख करके दौड़ना, तो मुझे लगता है कि मैं सर पे पैर रख करके दौड़ूंगा। तो दौड़ने के बाद तो वो और ज्यादा आपकी तरफ ही भागेगा, नेचुरली बात है। तो यानी कि आप उसका सामना नहीं करना चाहेंगे? नहीं, सामना नहीं, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है और मैं ऐसा साहस भी नहीं करूंगा। वाह, ये तो कोई सीजनल नाला सा लग रहा है, यहाँ पे बारिश के दिनों में अच्छा पानी बहता होगा। देखो पत्थर लाए हुए ऊपर से, इतने सारे पत्थर हैं,
और ये तो मुझे कच्चे पत्थर लग रहे हैं, देखिए टूट रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ वैसे तो मेरे को नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे पानी हो तो हम अपना टेंट यहीं कहीं लगाएं, टेंट यहीं कहीं लगाया जा सकता है। और मंसूरी के बारे में जो सोच रहे हैं उसकी जगह पे यहीं कहीं टेंट लगाया जाए। चलो आगे चल के देखते हैं, कहीं पानी मिल जाए तो सोचते हैं इस चीज के बारे में। और ये देखिए ना कि यहाँ पे जब पानी बहता होगा उसकी आवाज, उसके साथ लगा हुआ टेंट, बिल्कुल 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 मजा आ जाएगा यहाँ तो। जगह तो काफी अच्छी है, नाला सूखा था, मैंने तो सोचा थोड़ा पानी दे दूं इसको मैं। धीरज भी आ रहे हैं, धीरज से पूछते हैं कि कैसी लगी उनको ये जगह। भाई जगह तो वैसे काफी अच्छी है, अभी पीछे से मैं देख के आया हूं, ये कोई ऐसा कुछ थोड़ी बहुत देर दूर तक का नहीं, काफी कई किलोमीटर तक हमें को एरिया लग रहा है काफी। मौसम के दौरान में मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे आई थिंक अगर यहाँ पानी होगा तो टेंट लगाने के लिए बड़ी अच्छी साइट थी। जैसा कि अभी आपने देखा कि नीचे कुछ जले हुए अवशेष हैं, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे जैसा कि हम अभी सोच रहे थे कि कैंपिंग लगाई जा सकती है, उसी का ये एक प्रमाण है। कई लोग तो कोई महानुभाव ने तो यहाँ पे लगता है यहाँ पे अच्छा खाना, मीट कुछ ऐसा खाना बना के कैंप लगा करके अच्छे से मजे किए होंगे। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सेकेंड डे है और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे धाराएं, इसे कहते हैं यहाँ पे सहस्त्र धारा, शायद 100 से ज़्यादा धाराओं से मिलके ये बना, इसलिए इसको सहस्त्र धारा कहते हैं। लेकिन काफ़ी उम्मीदें लेके आए थे कि पता नहीं क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुई मुझे यहाँ पे, कुछ ऐसा खास कि भी जिसे हम ना देखते तो मिस करते। मसूरी के रास्ते में तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन बार बार आया नहीं जाता तो इसलिए आ गए। अभी इसके बाद जाएंगे मसूरी। वीडियो अपना खा खाले ही वे अपना खा ले रहे हैं। तो धीरज मैं जानना चाह रहा हूँ आपको यहाँ आने के बाद यहाँ के व्यू और दृश्य कैसा नजर आ रहा है आपको? इतना अच्छा लग रहा है अमित, मन तो कर रहा है कि घंटों यहीं खड़ा रहूँ। ये हमें रूम अपना सही मिल गया और अपने मॉल रोड के बहुत ही नजदीक भी है, यहाँ से कहीं भी हम इजीली जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। होटल वगैरह खाने के रेस्टोरेंट भी नजदीक है। कितने की है एक? ये 20 का एक, 30 का एक। अरे धीरज, अरे यहाँ कैसे भाई, कैसे हो अमित, कैसे हो यहाँ, कैसे भाई यहाँ कैसे टकरा गए? बस हमने आपसे वादा किया था कि एक ना एक दिन हम आपसे मंसूरी में जरूर मिलेंगे।
मैं देख रहा था कि कितनी ऊंचाई पर ये हैं। ऊंचाई का तो कह नहीं सकता, लेकिन इसकी जो बौछारें हमारे ऊपर आ रही हैं, ये ठंडा बहुत ज़्यादा है। इससे पहले दो बार आ चुका हूँ और दो बार में मुझे इस समय बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे नीचे भी, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, इसका पूरा ब्यूटिफिकेशन किया गया है। आप इस रैंप पर हम खड़े हैं इस समय देख सकते हैं, पहले ये रैंप नहीं था। अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं नहाने की भी हिमाकत करता, लेकिन इस ठंड को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसमें नहाऊं। जो नीचे अगर आप पानी को देखेंगे तो इसको भी नीचे सीमेंटेड कर दिया गया है, पहले ये भी सीमेंटेड नहीं था। इसके अंदर क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर थे, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था। जगह से जाना जाता है। ये जॉर्ज एवरेस्ट साहब वही साहब थे जिनके नाम पे, अगर आपने सुना हो तो माउंट एवरेस्ट का नाम उनके नाम पे ही पड़ा है। जैसा कि कैडी ने बताया कि हम सब ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना ही है, ये वही जॉर्ज एवरेस्ट है जिनके नाम से माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। और करीबन 11 साल ये बना है हमने इंडिया में रहा और इस हिल स्टेशन पे मंसूरी में उसने अपना घर बनाया। तो हम आज उसी पॉइंट पर आए हैं। बड़ी मुश्किलों से इस स्टोव को जलाया गया और बड़ी मुश्किलों से यहाँ के ऊपर सब्जी गर्म हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इसके खाने का जो स्वाद रहेगा वो यम यम बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मेहनत का फल मीठा होता है।